अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर ज़ाहिदा परवीन, पीएचडी स्पेशल एजुकेशन एंड आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ स्पेशल एजुकेशन एट यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लोअर माल कैंपस लाहौर. दिस इज़ द कोर्स ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स टू मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन एंड दिस इज़ अ कोर्स ऑफ एमए स्पेशल एजुकेशन with an area of specialization of mentally challenged. The course code is SPED 4139, and this is a course of 3 credit hours. The title of this course is Scope and Sequence of Elementary Mathematics Curricula. In this lecture we will discuss at first that what we mean by mentally challenged children and how these mentally challenged children are involved in mathematics classroom, and then we will discuss scope and sequence of elementary mathematics curricula for mentally challenged children. जब हम मेंटली चैलेंज्ड बच्चों की और मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो दैट इज़ ऑल द फंक्शनल मैथमेटिक्स वी कैन टीच टू दीज स्टूडेंट्स विद मेंटल रिटार्डेशन, क्योंकि इन बच्चों की लिमिटेशंस होती हैं कॉग्निटिवली भी और अडेप्टिव बिहेवियर की भी इनकी लिमिटेशंस होती हैं. अगर आपको मेंटली चैलेंज्ड बच्चों की डेफिनेशन याद है तो हम उसको रिव्यू कर लें क्विकली कि दे हैव सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस इन इंटेलेक्चुअल टास्क एंड अडेप्टिव बिहेवियर स्किल्स, दोनों में इनके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं. तो इन बच्चों के लिए जो हम मैथ्स का करिकुलम यूज़ करते हैं वो नॉर्मल बच्चों के करिकुलम से टोटली डिफरेंट होता है. इनको टीच करने का आपके ऑब्जेक्टिव्स टोटली डिफरेंट होते हैं. तो इनको जो मैथ पढ़ाया जाता है वो उसको हम फंक्शनल मैथमेटिक्स कहते हैं. एंड व्हाट फंक्शनल मैथमेटिक्स मींस द यूज़ ऑफ डेली मैथमेटिक्स. सो यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स नीड्स फॉर वोकेशनल, कंज्यूमर, सोशल, रिक्रिएशनल एंड होम मेकिंग एक्टिविटीज़. ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर मैथ्स अप्लाई होता है जो मेंटली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं उनकी लाइफ में. वोकेशनल में आपको पता है कि मेंटली एमसीसी बच्चे जो हैं वो वोकेशनल के एरिया में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और ये इनका एक एरिया ऑफ स्ट्रेंथ होता है, क्योंकि एक लिमिटेड ग्रेड लेवल तक जाकर इनकी जो एकेडमिक अचीवमेंट होती है वो उससे बियॉन्ड अचीव नहीं कर पाते. तो उस एकेडमिक अचीवमेंट अपनी ऑप्टिमम एकेडमिक अचीवमेंट के बाद जो है वो इनको वोकेशनल में काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है. तो वोकेशनल में मैथमेटिक्स का जितना यूज़ हो सकता है वो उनके फंक्शनल मैथमेटिक्स में इंक्लूड होता है. इसी तरह दूसरा एरिया जिसमें एमसीसी बच्चों के लिए मैथ्स की एप्लीकेशन है वो है कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर ये एक ऐसी साइंस है जिसमें हमें बहुत परचेज़ और सेल्स का काम जो है वो बच्चों को एमसीसी बच्चों को करना पड़ता है. तो वोकेशनल के जितने एरियाज़ में भी बच्चे जाते हैं उससे रिलेटेड भी और डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में भी अगर उनको कोई सेल्स और परचेज़ वगैरह का कोई काम होता है तो उसमें भी उनको उसके जितना मैथमेटिक्स उसके लिए इनको रिक्वायर्ड होता है दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन फंक्शनल मैथमेटिक्स. सोशल गैदरिंग्स और सोशल इनकी एक्टिविटीज़ में इनको जितने मैथ की ज़रूरत होती है दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ फंक्शनल मैथमेटिक्स. रिक्रिएशनल, अगर रिक्रिएशनल वेज जो इनके होते हैं जब ये लेयर टाइम इनका होता है उसको कंज्यूम करने के लिए और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में जब ये इन्वॉल्व होते हैं तो वहाँ जितना मैथ इनको रिक्वायर्ड होता है दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फंक्शनल मैथमेटिक्स. एंड होम मेकिंग एक्टिविटीज़, तो इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ में इनका फंक्शनल मैथमेटिक्स की यूज़फुलनेस है. टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स टू मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट्स इंक्लूड्स लर्निंग थ्रू कंक्रीट एक्सपीरियंसेस एंड द एप्लीकेशन ऑफ लर्न्ड स्किल्स. तो इसमें कहीं पर भी इनके कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन को सिर्फ इतनी ही इम्पॉर्टेंस दी जाती है और इतने ही कॉन्सेप्ट्स इनको पढ़ाए जा सकते हैं जो इनके कंक्रीट एक्सपीरियंसेस के साथ बिलोंग करते हों और थ्रू कंक्रीट एक्सपीरियंसेस हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के साथ इनको जितना मैथ करवाया जा सकता है. और जो एक दफ़ा इनको एक लर्न स्किल जो है वो लर्न करवाई जाती है तो उसकी बार बार एप्लीकेशंस डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट कम्युनिटी सेटिंग्स में लर्न स्किल्स की एप्लीकेशन
रिपीटेशन इनको बार बार प्रैक्टिस करवानी पड़ती है। इन एडिशन बोथ द क्लासरूम एक्टिविटीज एंड द कम्युनिटी एक्सरसाइजेज शुड बी ब्लेंडेड इन सच अ वे दैट द जनरलाइजेशन ऑफ स्किल्स अकर स्मूथली। तो हमें क्लासरूम एक्टिविटीज़ जब हम करवाते हैं एमसीसी बच्चों को, तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये होता है कि एमसीसी बच्चे चूंकि अपनी सिग्निफिकेंट इनकी कॉग्निटिव लिमिटेशंस होती हैं, तो इस वजह से ये कॉन्टेक्स्ट बाउंड एक्टिविटीज़ करते हैं, और इस चीज़ से इनको हटाने के लिए या इनकी प्रैक्टिस करवाने के लिए कम्युनिटी एक्सरसाइजेज इनको बहुत ज़्यादा करवाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिंपल एडिशन के क्वेश्चंस जो हैं वो इनको क्लासरूम के एनवायरनमेंट में करवा रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि जब ये बच्चे घर पर जाएं तो ये उन्हीं कॉइन्स को ऐड जो है वो घर की सेटिंग में नहीं कर पाएं, क्योंकि इनकी जो जनरलाइजेबिलिटी होती है वो बहुत पुअर होती है। तो इनको क्लासरूम एक्टिविटीज़ और कम्युनिटी एक्सरसाइजेज दोनों को ब्लेंड करने की ज़रूरत होती है थ्रू आउट मैथमेटिक्स क्लासरूम। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हाफ सेमेस्टर या हाफ मंथ जो है वो आप इनको क्लासरूम एक्टिविटीज़ में इंगेज कर रहे हैं और उसके बाद हाफ जो मंथ है उसमें आप इनको कम्युनिटी एक्सरसाइजेज की तरफ लेकर जाएंगे। तो इस जब तक आप इनको एप्लीकेशन के लिए कम्युनिटी एक्सरसाइजेज में लेकर जाएंगे, तो तब तक ये अपनी क्लासरूम एक्टिविटीज़ को मोस्ट प्रोबेबली भूल चुके होंगे। तो इन दोनों को स्मूथली रन करने के लिए साइमल्टेनियसली दोनों किस्म की एक्टिविटीज़ को साथ साथ लेकर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा एमसीसी को पढ़ाते हुए ब्लेंडेड एक्टिविटीज़ का यूज़ आप करेंगे, उतनी ज़्यादा इन बच्चों की जनरलाइजेशन स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव होंगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा इन अपने लर्न्ड कॉन्सेप्ट्स को याद रख सकेंगे। फर्दर, मैथ करिकुलम शुड कंसिडर देयर नीड्स वेन दे ग्रो टू बी एडल्ट्स एंड शुड इंक्लूड दो स्किल्स दैट हैव हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ यूज़ इन कम्युनिटी सेटिंग्स। दैट मीन्स के इन बच्चों के करिकुलम में हमें ऐसे यूजलेस कॉन्सेप्ट्स को खामखा में इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की लिमिटेशंस हैं इन बच्चों की, तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को याद भी नहीं रख पाते और उसको वो प्रैक्टिकली यूज़ भी नहीं कर पाते। तो वी हैव टू बी वेरी चूजी वाइल टीचिंग मैथमेटिक्स टू मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन। आप सिर्फ उनको वही कॉन्सेप्ट्स करवाएंगे जो उनके लिए यूज़फुल हैं, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग हैं। विद इन एमसीसी भी अगर आप देखते हैं तो बहुत सी वेरिएशंस हैं। लाइक माइल्ड मेंटली चैलेंज्ड बच्चों के लिए मैथ्स का करिकुलम डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू दोज हु आर विद सीवियर लिमिटेशंस और प्रोफाउंड मेंटल इम्पेयरमेंट्स। तो जैसे जैसे इनकी इम्पेयरमेंट्स का लेवल इंक्रीज होता है, तो उस तरह से इनकी जो फंक्शनल करिकुलम है उसमें भी वेरिएशंस हमें लेकर आनी पड़ती हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर प्रोफाउंड या स्वीयर लेवल का केस है, स्वीयर लेवल तक का है, तो उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल प्योर जो बेसिक मैथ है, कोई एक दो उसके फंक्शंस जो हैं वो बच्चों को करवा देना ही काफ़ी होता है। लेकिन एमसीसी अगर माइल्ड लेवल का बच्चा है, तो उसके लिए कंपैरेटिवली कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आप उसके सिलेबस में मैथ्स के करिकुलम में इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमने इन बच्चों के लिए फोकस यही करना है कि ऐसी स्किल्स जिनकी प्रोबेबिलिटी कम्युनिटी सेटिंग्स में उनकी बहुत ज़्यादा हो, तो वो स्किल्स इन बच्चों को मैथ्स की क्लास में पढ़ाने चाहिए और सिखाने चाहिए। अब हम थोड़ा सा फंक्शनल मैथमेटिक्स को डिटेल से देखेंगे कि ये होता क्या है और इसमें मैथमेटिकल टर्म्स में या मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में फंक्शनल मैथमेटिक्स क्या है। तो इट द फंक्शनल मैथमेटिक इंक्लूड्स फोर बेसिक पैटर्न्स। सबसे पहला जो है वो इसमें है प्री कंप्यूटेशनल स्किल्स। प्री कंप्यूटेशनल स्किल्स में ऐसी तमाम स्किल्स जो कि कंप्यूटेशन से पहले बच्चे के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, वो सारी इसमें इंक्लूडेड होंगी। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के क्वान्टिटीज़ का बच्चों को कॉन्सेप्ट हो कि एक लेसर क्वान्टिटी क्या है, ग्रेटर क्वान्टिटी क्या है,
मतलब कोई स्मॉलर साइज क्या होता है, बिगर साइज कैसे होता है, वो एक दूसरे से चीज़ों को कंपेयर करने की स्किल उसके पास ऑलरेडी होनी चाहिए। नंबर्स का कॉन्सेप्ट बच्चे को पहले से होना चाहिए, कंप्यूटेशन स्किल्स की तरफ जाने से पहले उसे नंबर्स का पता होना चाहिए। नंबर्स काउंट, यहाँ अब हम बच्चे को रोट मेमोरी की तरफ नहीं लेकर जा सकते क्योंकि बच्चा जो है वो इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट्स के साथ है, तो हमें इतना इनफ है कि अगर वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर लेता है और उसके साथ उसको काउंटिंग का कॉन्सेप्ट हम क्लियर करवाते हैं, और काउंट नंबर्स के बाद जो है वो काउंटिंग, जैसे अभी मैं बात कर रही थी कि काउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बच्चे को प्री कंप्यूटेशनल स्किल्स में आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बच्चे के फंक्शनल मैथ्स में, प्री कंप्यूटेशनल स्किल्स में ये चीज़ें ऐड होंगी। इसके अलावा भी अगर कुछ चीज़ें आप देखें कि पेंसिल होल्डिंग जो उनकी ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, फाइन मोटर स्किल्स बच्चे की, एमसीसी बच्चे की जितनी अच्छी डेवलप होंगी उतनी अच्छी उसकी प्री कंप्यूटेशनल स्किल्स जो हैं वो भी अच्छी डेवलप होंगी। एज अ रिजल्ट जो है वो बाद में कंप्यूटेशनल स्किल्स के अंदर उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। सेकंड जो है वो है कंप्यूटेशनल स्किल्स। कंप्यूटेशनल स्किल्स में फोर जो बेसिक हमारे हैं कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैथ्स के, वो इंक्लूडेड हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो ये सब चीज़ें जो हैं, चारों कॉन्सेप्ट्स ये कंप्यूटेशनल स्किल्स के अंदर इंक्लूडेड हैं। थर्ड जो फंक्शनल मैथमेटिक्स की में इंक्लूड होती हैं, दैट इज़ एप्लीकेशन स्किल्स। अब एप्लीकेशन, प्री कंप्यूटेशनल और कंप्यूटेशनल स्किल्स जब बच्चा डेवलप कर लेता है और कंप्यूटेशंस उसको बेसिक जो मैथ के फंक्शंस हैं वो उसको आ जाते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों कॉन्सेप्ट्स किसी हद तक बच्चा उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है और करना इजी और इजी सॉल्व करना शुरू हो जाता है इजिली। तो नेक्स्ट जो स्किल उसके उसको एक्वायर करनी है, दैट इज़ ऑफ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, लाइक मनी, टाइम, कैपेसिटी, वेट, मैथ्स। तो जैसे यूज़ ऑफ मनी है तो वो बच्चे को उसके ऊपर उसको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि उसको अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ परचेज करने के लिए जाना है तो उसको कितने पैसे कैरी करने हैं और किस तरह से उसको पेमेंट करनी है, और अगर वहाँ पेमेंट देने के बाद उसके कुछ बाकी पैसे बचते हैं तो उसका उसको बेसिक कैलकुलेशन पता होनी चाहिए कि हाउ मच मनी आई हैव टू गेट बैक। टाइम का कॉन्सेप्ट है, यानी टाइम एक तो ये है कि क्या टाइम हुआ है, यानी जो टाइम हम कहते हैं कि इट्स 8 o'clock, 9 o'clock, एक ये टाइम का कॉन्सेप्ट है। अदर देन दैट, एक एप्लीकेशन स्किल्स में, एप्लीकेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें मैथ में टाइम के कॉन्सेप्ट का ये मतलब भी है कि यानी बच्चे को ये पता होना चाहिए कि अगर आपने उसको कोई एक्टिविटी दी है तो इन हाउ मच टाइम ही हैज़ टू कंप्लीट दैट, और उसको कोई भी काम करते हुए कितना टाइम गुजर गया है। फॉर एग्जांपल अगर वो घर से बाहर निकला है किसी काम के सिलसिले में तो उसको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि उसे बाहर निकले हुए कितना टाइम हो चुका है और कितनी देर में उसको वापस घर पहुँच जाना चाहिए। तो टाइम जो है उसका कॉन्सेप्ट बच्चे को बड़ा क्लियर होना चाहिए जी। इसी तरह नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी में भी बिल्कुल एक बेसिक लेवल की एप्लीकेशन है किसी भी चीज़ के लिए। उसको फॉर एग्जांपल अगर उसको एक ग्लास में पानी डालना है तो उसको पता होना चाहिए कि इस ग्लास की कैपेसिटी कितनी है। किसी भी काम को करना है उसने तो उसको अपनी कैपेसिटी का अंदाज़ा होना चाहिए। तो कैपेसिटी की बेसिक एप्लीकेशंस डेली लाइफ स्किल्स के अंदर उसको मालूम होनी चाहिए। वेट का कॉन्सेप्ट है, मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इनकी एप्लीकेशन हमें बच्चों को सिखानी है, और इन सारे कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन जब हम इंक्लूड करते हैं बच्चे के मैथ्स के करिकुलम में फॉर एमसीसी चाइल्ड, तो दैट इज़ कॉल्ड एज फंक्शनल मैथमेटिक्स। नेक्स्ट और लास्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। फंक्शनल मैथमेटिक्स के अंदर ये इंक्लूड होती हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जी, इन रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट कंप्यूटेशन इन सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स जब हम बिल्कुल एक लोअर लेवल के ऊपर, बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तो इनकी डेवलप ही नहीं हो सकती, लेकिन जो एक बेसिक लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं उसमें बहुत छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चंस जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स जिनको हम कहते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं इनके सिलेबस में। और इन ऑर्डर टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स दे रिक्वायर रीडिंग स्किल्स। तो रीडिंग भी वो करेंगे और उसके बाद वो उस
क्वेश्चन की रीडिंग करने के बाद दे शुड बी एबल टू अप्लाई अप्रोप्रिएट्स कंप्यूटेशनल स्किल्स जो हैं वो, लाइक अगर प्लस का क्वेश्चन है तो क्या वो एक एक दो लाइनों का, एक या दो लाइनों का अगर एक वर्ड प्रॉब्लम्स उसको पोज किया गया है तो क्या वो उसको पढ़ने के बाद जो अप्रोप्रिएट, अगर वो पॉजिटिव एडिशन का क्वेश्चन है तो क्या वो एडिशन की एग्जैक्ट कंप्यूटेशन जो है वो उसको अप्लाई कर लेता है उस सिचुएशन में। तो फिर हम उसको ये सारी चीज़ें जो हैं जब हम उसको सिखा रहे होते हैं बच्चे को, तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फंक्शनल मैथमेटिक्स। सो दीज वर द फोर एरियाज ऑफ फंक्शनल मैथमेटिक्स: प्री कॉम्प्यूटेशनल स्किल्स, कॉम्प्यूटेशनल स्किल्स एंड एप्लीकेशन स्किल्स, एंड लास्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब हम इसके बाद देखेंगे कि हाउ डू द चाइल्ड लर्न मैथमेटिक्स, उसकी लर्निंग स्ट्रैटेजीज और उसके प्रोसेसेस क्या होते हैं लर्निंग के, अब हम वो देखते हैं। अब हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हाउ चिल्ड्रन लर्न मैथमेटिक्स, इनके प्रोसीजर्स कौन से फॉलो करते हैं और किस तरह से मैथ को लर्न करते हैं, सो दैट वी कैन मेक देम लर्निंग ईजी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट लर्नर्स एक्वायर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग बाय कंस्ट्रक्टिंग देयर ओन मीनिंग थ्रू एवर इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, स्टार्टिंग विद एक्सप्लोरिंग देयर ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अंडरस्टैंडिंग्स एंड नॉलेज। तो सबसे पहली बात यह है कि जो स्टूडेंट्स हैं विद डेफनेस और एनी अदर डिसेबिलिटी, तो वो मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए वो सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक उनका जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर वो दूसरे कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, और स्टूडेंट्स अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग्स और नॉलेज की बेस पर नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। एडिशनली इट इज़ फंडामेंटल टू द फिलॉसफी ऑफ दी PYP दैट सिंस इट इज़ टू बी यूज इन रियल लाइफ सिचुएशंस, मैथमेटिक्स नीड्स टू बी टॉट इन रेलिवेंट रियलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट रादर देन बाय अटेम्प्टिंग टू इम्पार्ट अ फिक्स्ड बॉडी ऑफ नॉलेज डायरेक्टली टू स्टूडेंट्स। PYP जो है वो अमेरिकन एक मैथमेटिकल करिकुलम है, और उसकी फिलॉसफी मैंने यहाँ पर ऐड की है कि रियल लाइफ सिचुएशंस ऐड करनी चाहिए मैथमेटिक्स की क्लासरूम्स के अंदर, और वो रेलिवेंट हों, रियलिस्टिक हों, कॉन्टेक्स्ट उनके, और बजाय इसके कि हम एक फिक्स्ड बॉडी ऑफ नॉलेज जो है वो बच्चे के दिमाग में डायरेक्टली डालने की कोशिश कर रहे हों। तो मैथ्स एक्चुअली एक ऐसा सब्जेक्ट है नहीं कि आप डायरेक्टली कोई ऐसा कंटेंट नॉलेज बच्चों को प्रोवाइड करें जिसको वो रोट मेमोराइज कर लें। इंस्टेड मैथ्स जो है उस वो एक रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर उसकी अंडरस्टैंडिंग डिमांड करता है इन ऑर्डर टू लर्न मैथमेटिक्स। हाउ चिल्ड्रन लर्न मैथमेटिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग फॉलोइंग स्टेजेस। ये फॉलोइंग स्टेजेस हैं: कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग अबाउट मैथमेटिक्स, अप्लाइंग विद अंडरस्टैंडिंग, एंड देन ट्रांसफरिंग मीनिंग, कंस्ट्रक्टिंग, ट्रांसफरिंग मीनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग। सो दीज आर द थ्री स्टेजेस ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स। नाउ वी विल डिस्कस ऑल दीज थ्री स्टेजेस वन बाय वन। द फर्स्ट स्टेज इज कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग अबाउट मैथमेटिक्स। इसमें बच्चे क्या करते हैं, लर्नर्स कंस्ट्रक्ट मीनिंग बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एंड अंडरस्टैंडिंग, एंड बाय रिफ्लेक्टिंग अपॉन देयर इंटरेक्शंस विद ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज़। तो जो बच्चे की ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, उनके जो ऑलरेडी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनकी बेस पर वो कंस्ट्रक्ट करते हैं मीनिंग्स को। देयर फोर इन्वॉल्विंग लर्नर्स इन एन एक्टिव लर्निंग प्रोसेस वेयर दे आर प्रोवाइडेड विद पॉसिबिलिटीज टू इंटरेक्ट विद मैनिपुलेटिव्स एंड टू इंगेज इन कन्वर्सेशंस विद अदर्स इज पैरामाउंट टू दिस स्टेज ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स। तो इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग्स अबाउट मैथमेटिक्स, हमें इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जो लर्निंग एनवायरनमेंट हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं मैथमेटिक्स की क्लासरूम में, वो टू द पॉइंट होना चाहिए, उनके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के साथ रिलेट करता हुआ होना चाहिए, और ऐसे मैक्सिमम प्रोवाइड हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ कर रहे हों जहाँ पर वो तमाम जो क्लास के अंदर मैनिपुलेटिव्स उनके यूज़ हो रहे हैं, जो एवीएट्स यूज़ हो रहे हैं, उनके साथ वो इंटरेक्ट करें, और इसी तरह से वो अपने जो पीयर ग्रुप है उनके साथ भी इंटरेक्ट करें मैथ की क्लास में। तो ये एक दोनों चीज़ें जो हैं ये पैरामाउंट हैं लर्निंग मैथमेटिक्स में। When making sense of new ideas, all learners either interpret their ideas to conform to their present understanding, or they generate a new understanding that accounts for what they perceive to be
अकरिंग। तो दो चीज़ें हैं कि जब वो एक नया आइडिया उनके सामने आता है तो वो या तो अपनी प्रीवियस लर्निंग के साथ उसको उसकी सेंस बनाते हैं और उसको अपनी एक इंटरप्रिटेशन अपनी उसकी डेवलप करते हैं, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि वो एक टोटली न्यू अंडरस्टैंडिंग को जनरेट करते हैं। सेकेंड जो स्टेज है वो ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स, दैट इज़ ट्रांसफरिंग मीनिंग इनटू सिंबल्स। यानी पहली स्टेज में हमने देखा कि हाउ डू दे कंस्ट्रक्ट मीनिंग अबाउट मैथमेटिक्स, अब दूसरी स्टेज है कि वो उस मीनिंग को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं इनटू सिंबल्स। ओनली व्हेन लर्नर्स हैव कंस्ट्रक्टेड देयर ओन आइडियाज़ अबाउट अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट शुड दे अटेम्प्ट टू ट्रांसफ़र दिस अंडरस्टैंडिंग इनटू सिंबल्स। तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग्स, वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ट्रांसफ़र की स्टेज तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक कि प्रीवियस स्टेज जो है वो कंप्लीट ना हो चुकी हो, बच्चे ने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को लर्न करके उसके अपने मीनिंग्स जो हैं वो अपने ब्रेन में कंस्ट्रक्ट कर लिए हों। अगर मिस्टेकनली पहली स्टेज में ऐसा होता है कि अगर एक बच्चा जो है वो मैथ के कॉन्सेप्ट को ठीक से कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाया तो डेफिनेटली वो रॉन्गली कंस्ट्रक्टेड मीनिंग को ही ट्रांसफ़र कर लेगा सिंबल्स में, और वहाँ से मैथ की क्लास में उसकी मैथ के जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है उसमें मिस्टेक्स स्टार्ट हो जाती हैं। सिम्बोलिक नोटेशन कैन टेक द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, डायग्राम्स, मॉडलिंग विद कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड मैथमेटिकल नोटेशंस। तो रिटन फॉर्म में जब आप मैथ्स को लिखते हैं, एक बच्चा कॉन्सेप्ट को लर्न करने के बाद किसी न किसी फॉर्म में उसको शिफ्ट करता है ऑन पेपर, तो दैट इज़ कॉल्ड एज सिम्बोलिक नोटेशन, और ये इसी को हम कहते हैं कि उसने अपने कंस्ट्रक्टेड मीनिंग्स को ट्रांसफ़र किया है इन सिम्बल्स। लर्नर्स शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्राइब देयर अंडरस्टैंडिंग यूजिंग देयर ओन मैथड ऑफ सिम्बोलिक नोटेशन, देन लर्निंग टू ट्रांसफ़र देम इंटू कन्वेंशनल मैथमेटिकल नोटेशंस। तो पहले बच्चे को आप ये अपॉर्चुनिटी दें कि उसने जो कुछ भी लर्न किया है, जो मीनिंग्स कंस्ट्रक्ट किए हैं अपने मैथ्स की क्लासरूम में, उसको वो खुद सिम्बोलिकली रिप्रेजेंट करें, और उसके बाद फिर आप अगर वो ठीक करता है तो वेल एंड गुड, और अगर वो ठीक नहीं कर पाता सिम्बोलिकली नोटेशन को यूज़ नहीं कर पाता तो फिर हम टीचर का रोल ये होता है कि वो उसको करेक्ट करवाए उसकी अंडरस्टैंडिंग को। थर्ड स्टेज जो है वो लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स की है, अप्लाइंग विद अंडरस्टैंडिंग। सो थर्ड स्टेज में बच्चे जो हैं उन्होंने पहली स्टेज में जब अपने मीनिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया, दूसरे में उन्होंने अपने कंस्ट्रक्टेड मीनिंग्स को ट्रांसफ़र कर लिया सिंबल्स में, तो थर्ड स्टेज में वो अप्लाई करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक डिफरेंट न्यू सिचुएशंस के अंदर। सो अप्लाइंग विद अंडरस्टैंडिंग कैन बी व्यूड एज द लर्नर्स डिमॉन्स्ट्रेटिंग एंड एक्टिंग ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग थ्रू ऑथेंटिक एक्टिविटीज़। लर्नर्स शुड इंडिपेंडेंटली सेलेक्ट एंड यूज़ अप्रोप्रिएट सिम्बॉलिक नोटेशंस टू प्रोसेस एंड रिकॉर्ड देयर थिंकिंग। तो अपनी थिंकिंग को वो रिप्रेजेंट करने के लिए प्रॉपरली नोटेशंस का यूज़ करते हैं और मैथमेटिकल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करते हैं इन न्यू सिचुएशंस। दीज ऑथेंटिक एक्टिविटीज़ शुड इंक्लूड अ रेंज ऑफ प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ एंड रियलिस्टिक सिचुएशंस दैट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू डिमॉन्स्ट्रेट मैथमेटिकल थिंकिंग थ्रू प्रेजेंटेड और रिकॉर्डेड फॉर्मेट्स। इन दिस वे लर्नर्स आर एबल टू अप्लाई देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज यूटिलाइज मैथमेटिकल स्किल्स एंड नॉलेज। तो सो फोकस जो है वो थर्ड स्टेज पर यह है कि एज मच एज पॉसिबल उनको प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की जाएँ जिसके थ्रू वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें, और ये सारी सिचुएशंस रियलिस्टिक सिचुएशंस होनी चाहिए जहाँ पर बच्चा जो है वो अपने लर्न्ड कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सके। और वो एप्लीकेशन जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट्स होते हैं उनके थ्रू हो सकती है, और इन दिस वे लर्नर्स आर एबल टू अप्लाई देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ। तो सिर्फ वो बच्चा जो है वो सिर्फ एप्लीकेशन के थ्रू यही नहीं सीखता कि उसने कॉन्सेप्ट को कितना विजुअलाइज कर लिया है, बल्कि वो मैथमेटिकल स्किल्स और नॉलेज को डेली लाइफ में यूटिलाइज करने के काबिल भी हो जाता है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स मैथमेटिक्स स्कोप एंड सीक्वेंस। तो डिफरेंट मैथ करिकुला यूटिलाइज डिफरेंट स्कोप्स एंड सीक्वेंसेस। दिस लेसन गिव्स यू अ जनरल आइडिया ऑफ अ बेसिक मैथमेटिक्स स्कोप एंड सीक्वेंस थ्रू एलिमेंट्री एंड मिडल स्कूल्स।
तो हम बिल्कुल जो बेसिक लेवल का मैथमेटिक्स का स्कोप और सीक्वेंस फॉलो होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी, हमारा करिकुलम जो है वो इसी सीक्वेंस को और इसी स्कोप को ऑलमोस्ट फॉलो कर रहा है। तो हम बड़ा जनरल आइडिया जो है उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर आपको एक चार्ट शो किया जाएगा। फर्स्ट वी विल आई विल टेल यू अबाउट दैट चार्ट। दिस चार्ट इज़ अ रफ गाइडलाइन शोइंग यू अप्रॉक्सीमेटली व्हेन एंड इन विच ऑर्डर वन शुड स्टडी वेरियस मैथ टॉपिक्स। तो अब हम टॉपिक वाइज मैथ को डिस्कस करेंगे कि किस वक्त पर, कब और कितना जो है वो एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा एक बच्चे को, अकॉर्डिंग टू द एज लेवल ऑफ दैट चाइल्ड। डोंट रीड टू मच इन टू इट। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट टेलिंग यू इन विच ऑर्डर टू स्टडी द टॉपिक्स ड्यूरिंग एनी ग्रेड एंड इट डज नॉट इंक्लूड एवरी सिंगल टॉपिक। तो ये लिमिटेशंस हैं दो इस चार्ट की, जो अपकमिंग चार्ट है उसकी, कि वो हर एक टॉपिक के बारे में स्पेसिफिकली आपको नहीं बता सकता कि कब और कहाँ पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है। लेकिन जो है वो एक प्रॉपर गाइडलाइन है टीचर्स के लिए। हेयर इज अ ग्राफ। ये जो ग्राफ की हम बात कर रहे थे वो ये है। इसमें आप देख सकते हैं कि वर्टिकली जो शो हो रहा है ये ग्रेड्स हैं हमारे पास, ये ग्रेड्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, और ये इस पोर्शन में जितने भी हमारे पास ये टॉपिक्स हैं। और आप ये देख सकते हैं कि डिफरेंट कलर्स में इनको शो किया गया है। पिंक कलर में कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, कुछ टॉपिक्स जो हैं वो येलो, ब्लू, ग्रीन और मोव, और कंटिन्यूअसली इसी तरीके से डिफरेंट कलर्स में ये टॉपिक्स चल रहे हैं। कलर्स जो हैं वो डिफरेंट ग्रेड्स को भी शो कर रहे हैं और उनके लेवल्स को बेसिकली, के स्टार्ट में ग्रेड 1 जो है उसमें कितनी एडिशन यूज़ होनी चाहिए। अब अगर आप एडिशन को देखते हैं तो वो ग्रेड 1 में उसका काफ़ी बड़ा पोर्शन शो हो रहा है, जबकि 7, 8 में जाके ग्रेड जो एडिशन है उसका, उसके ऊपर एम्फोसिस कम हो जाता है। वन बाय वन अब हम इसको ज़रा, इस ग्राफ को डिटेल से भी डिस्कस करेंगे जी। अब आप देख रहे हैं इस स्लाइड के ऊपर, और यहाँ पर हम नोटिस दैट सर्टन मैथ टॉपिक्स आर इन फोकस इन सर्टन ग्रेड लेवल्स एंड देन फेड अवे इन टू द स्टेटस ऑफ ओकेजनल रिव्यू ओनली। सो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि किसी एक स्पेसिफिक ग्रेड के अंदर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फोकस किया जाता है, और जैसे जैसे ग्रेड्स को हम मूव ऑन करते हैं, बड़े ग्रेड्स की तरफ जाते हैं, तो वो टॉपिक्स फेड अवे हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और उनको सिर्फ उनका रिव्यू करवाया जा रहा होता है हायर ग्रेड्स के अंदर या अदर ग्रेड्स के अंदर। यू डोंट नीड टू स्टडी बेसिक अरिथमेटिक टॉपिक्स इन ईच एंड एवरी ग्रेड अंटिल द 8th ग्रेड। जैसे बेसिक अरिथमेटिक के अंदर कौन कौन से इंक्लूड होते हैं कॉन्सेप्ट्स, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो ये चारों टॉपिक्स किस तरह से कौन सी क्लासेस के अंदर चलते हैं, बेसिक ग्रेड लेवल के अंदर इसमें बहुत ज़्यादा फोकस होता है, लेकिन 8th ग्रेड तक इसको कंटिन्यूसली सेम प्रोपोर्शन के साथ लेकर चलना ज़रूरी नहीं होता। आप यहाँ देख रहे हैं एडिशन, प्लेस वैल्यू, सब्ट्रैक्शन, ये जो बेसिक अरिथमेटिक के टॉपिक्स हैं, इसके साथ नीचे जैसे जैसे अपर ग्रेड्स की तरफ हम जाते हैं, हायर ग्रेड्स की तरफ जाते हुए विद बिगर नंबर्स लिखा हुआ है। जो बेसिक एडिशन और बेसिक सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होता है वो ऐसा ऐसा कॉम्प्लेक्स होता जाता है जैसे हम अगले ग्रेड्स की तरफ मूव करते हैं। द रेड स्ट्रैंड इन इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड प्लेस वैल्यूज, इसके ऊपर ये है। एंड दीज टाई टूगेदर इन फर्स्ट ग्रेड, चिल्ड्रन स्टार्ट विद द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट, प्लेस वैल्यू टिल 100, बेसिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स विद इन 10 एंड सम ईजी एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शन विद इन 100। तो ये बेसिक जो है वो एडिशन, प्लेस वैल्यूज और सब्ट्रैक्शन वगैरह के बारे में हमारा स्टैंडर्ड है। नाउ दिस स्लाइड शोज रीग्रुपिंग इन मल्टाई डिजिट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज इंट्रोड्यूस्ड इन 2nd ग्रेड एंड इज स्टडीड विद बिगर नंबर्स इन ग्रेड 3 एंड 4। मेंटल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर इम्पॉर्टेंट टू, एज ईयर्स पास स्टूडेंट स्टडी बिगर एंड बिगर नंबर्स अप टू 1000 इन 2nd ग्रेड एंड अप टू 1 मिलियन इन 4th ग्रेड। सो जैसे जैसे ग्रेड्स जो हैं वो अपर लेवल की तरफ जाते हैं, इसी तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्लेस वैल्यूज इंक्रीज होती जाती हैं। आफ्टर 4th ग्रेड स्टूडेंट्स शुड हैव मास्टर्ड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स
सो दैट इट इज़ नो लॉन्गर द फोकस ऑफ स्टडी। यानी जब हम बिल्कुल 8th ग्रेड तक बच्चे पहुंच जाते हैं तो उसमें फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन फोकस नहीं रहता स्टडी का, ऑल दो दे आर बीइंग यूज्ड इन द हायर लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स। फ्रॉम देन ऑन टॉपिक्स सच एज फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, इंटीगर्स, स्क्वेयर रूट्स एंड इरेशनल नंबर्स एक्सपेंड द स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर। तो नंबर्स का कॉन्सेप्ट तो साथ साथ चलता रहता है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट साथ चलता है, लेकिन उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता न्यू कॉन्सेप्ट्स और न्यू टॉपिक्स जो हैं वो हायर लेवल ग्रेड्स के अंदर इंक्लूड होते जाते हैं। द येलो स्ट्रैंड इज़ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, और जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है ये आपने देखा होगा कि बहुत जो प्री प्राइमरी और अर्ली ग्रेड्स हैं, ग्रेड 1 तक जो है उसमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जो है उसको इंक्लूड नहीं किया जा रहा होता। और ग्रेड 2 में आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्रेड 2 में एक टिप से स्टार्ट हो रहा है मल्टीप्लिकेशन जो है वो, टाइम टेबल्स वगैरह ग्रेड 2 से स्टार्ट होते हैं और बहुत माइनर लेवल पर हम उसको लेकर चलते हैं, और हायर ग्रेड्स की तरफ जाते हुए ग्रेड 3 में, जो ग्रेड 3 से लेकर ग्रेड 5 तक जो है उसमें ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं और ग्रो करते हैं। सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन एंड द टाइम्स टेबल्स आर इन फोकस ड्यूरिंग 3rd ग्रेड एज इज डिवीजन विद सिंगल डिजिट डिवाइजर्स। इन 4th ग्रेड स्टूडेंट्स स्टडी मल्टी डिजिट मल्टीप्लिकेशन एंड लॉन्ग डिवीजन एंड आर इंट्रोड्यूस टू फैक्टर्स एंड प्राइम्स। तो ग्रेजुअली उनको न्यू कॉन्सेप्ट जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे होते हैं। देन फॉर 5th एंड 6th ग्रेड्स द फोकस स्विचेस टू फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो 5th ग्रेड में सारा फोकस ज़्यादा जो है वो फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के ऊपर आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4th ग्रेड में, 4th और 5th ग्रेड में फ्रैक्शंस और डेसिमल्स का काफ़ी पोर्शन इंक्लूड किया जा रहा होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटाइज इन विद रेशोज, प्रोपोर्शंस एंड डेसिमल्स, ऑल ऑफ दीज आर टॉपिक्स फॉर 6th 7th ग्रेड विद लॉट्स ऑफ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। तो ये इनमें, इन क्लासेस में 6th और 7th ग्रेड में परसेंट्स, रेशोज और प्रोपोर्शंस जो हैं इनको यूज़ किया जा रहा होता है। आप यहाँ देख सकते हैं ग्राफ में भी 6th और 7th का जो पोर्शन है, यहाँ पर हमारे पास डेसिमल्स, फ्रैक्शंस और परसेंटेज में परसेंट्स, रेशोज और प्रोपोर्शन की काफ़ी अमाउंट, या नीचे आप इसके जैसे परसेंट, रेशो और प्रोपोर्शन के लिए जो शो किया जा रहा है सिंबल, ऑलमोस्ट ये एक ट्रायंगल की शेप है, और ये बेसिकली हमें शो क्या कर रहा है कि ये टिप, ये लाइट टिप हमें ये शो कर रही है कि 5th ग्रेड में परसेंटेज और रेशो प्रोपोर्शन वगैरह का जो है वो हल्का सा हम उनको स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू करते हैं, और जैसे हम 6th ग्रेड में आते हैं तो इस तरह से उसकी रेशो जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है इसको, इसकी इंक्लूजन की, और 7th और 8th ग्रेड में आके ये आपको इसका जो लेवल है वो ये शो कर रहा है कि 7th और 8th ग्रेड में परसेंट, रेशो और प्रोपोर्शन ज़्यादा डिटेल से पढ़ाए जाते हैं। ज्योमेट्री एंड मेजरिंग आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम 1st ग्रेड ऑन। दे टाई इन विद अदर एलिमेंट्री मैथ कॉन्सेप्ट्स सच एज मल्टीप्लीकेशन, एरिया, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। जी, तो फर्दर ये ग्राफ आपको ये भी शो कर रहा है, जैसे इस पोर्शन में आप देखें कि इक्वली मेजरिंग एंड ज्योमेट्री जो है वो इक्वली मौजूद होते हैं ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 7 8 तक। दैट मीन्स कि इसका यूज़ जो है, जो इंट्रोडक्शन है बेसिक ज्योमेट्री का, क्योंकि ज्योमेट्री एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि दूसरे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के अंदर उसके साथ ही मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन है, एरिया अगर किसी स्पेसिफिक एरिया को कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सो ज्योमेट्री इज़ ऑल ओवर, वहाँ हर जगह मौजूद है। इसलिए ज्योमेट्री का जो ग्राफ है वो आपको इक्वली उसकी विड्थ के साथ वो तमाम ग्रेड्स के लिए आपको नज़र आ रहा है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है जो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है मैथमेटिक्स क्लासरूम्स के अंदर, दैट इज़ ऑफ ग्राफ्स एंड प्रोबेबिलिटी।
तो ग्राफ्स और प्रोबेबिलिटी के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ब्राउन कलर की दिया गया है यहाँ पर, इसको शो कर रहे हैं ये लाइन। और स्टैटिस्टिक्स और का जो पोर्शन है वो ग्रेड टू से ऑलमोस्ट हम उसको स्टार्ट करवाते हैं और ग्रेजुअली इसके लिए हम इसको इंक्रीज़ करते जाते हैं। लेकिन आप ओवरऑल देख रहे हैं कि सबसे थिन लाइन जो है वो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की है। दैट मीन्स के स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी एलिमेंट्री मैथ्स के अंदर काफ़ी उसका थिन रोल है, या थिन आप उसको कह सकते हैं कि उसकी थिन ग्राफ उसका शो हो रहा है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का जो एरिया है वो मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाता बच्चों का को। जैसे आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन है या बेसिक मैथ की जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो इनकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, इनकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है इन बाकी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें। और स्पेशली जो ब्राउन कलर में आपको शो हो रहा है एरिया स्टैटिस्टिक्स और डाटा एनालिसिस एंड प्रोबेबिलिटी, तो ये स्कूल करिकुलम जो मैथ्स का है उसमें इसको इसके बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस तो करवाया जाता है, लेकिन बहुत डिटेल्ड के साथ प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स को या ग्राफ्स को बहुत डिटेल के साथ नहीं पढ़ाया जाता इस लेवल पर। सो हमने इन ग्राफ्स के साथ हमने इस चीज़ को देखा है कि किस तरह से डिफरेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स किस ग्रेड में स्टार्ट होते हैं, उसका स्कोप और सीक्वेंस क्या है, कब करवाए जाते हैं स्टार्ट, कौन सा टॉपिक कब करवाया जाता है और कितनी देर तक उसको एक्सटेंड किया जाता है, और किस हद तक वो पढ़ाया जाता है, कितना उसकी डेप्थ कितनी है जो उसको कवर कर रही होती है डिफरेंट ग्रेड्स के अंदर, किस तरह से वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब बच्चा ग्रो करता है और वो बड़े ग्रेड्स हायर ग्रेड्स की तरफ जाता है, तो वो कौन कौन से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको वो जिनको हम करिकुलम के अंदर इंक्रीजिंगली ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, और किस तरह कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बेसिक ग्रेड्स के अंदर बहुत डिटेल के साथ पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हायर ग्रेड्स की तरफ जाते हुए आहिस्ता आहिस्ता उनका कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंटरनेशनल प्रोसेस स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जब हम मैथमेटिक्स के अंदर बात करते हैं, मैथमेटिक्स करिकुलम के अंदर बात करते हैं, तो हमारे पास दो तरह के स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं इंटरनेशनली। फर्स्ट स्टैंडर्ड जो है वो दैट इज़ प्रोसेस स्टैंडर्ड, तो इसमें फाइव प्रोसेस स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनली अवेलेबल हैं, आर डिस्क्राइब्ड थ्रू एग्जाम्पल्स दैट डिमॉन्स्ट्रेट वॉट ईच स्टैंडर्ड लुक्स लाइक एंड वॉट द टीचर्स रोल इज़ इन अचीविंग इट। तो हम ये देखेंगे कि प्रॉब्लम्स फाइव प्रोसेस स्टैंडर्ड्स हैं जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हैं, एंड दीज आर प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड प्रूफ, थर्ड वन इज़ कम्युनिकेशन, फोर्थ इज़ कनेक्शंस, एंड फिफ्थ इज़ रिप्रेजेंटेशंस। सो वट प्रोसेस स्टैंडर्ड मीन्स के वो कौन से प्रोसेसेस हैं जो कि इंटरनेशनली मैथमेटिक्स जो करिकुलम है उसके अंदर इनकलकेटेड होते हैं, ये यानी ये वो फाइव प्रोसेसेस हैं जो कि अज्यूम किया जाता है कि ये एलिमेंट्री मैथ्स करिकुलम के अंदर इन फाइव प्रोसेसेस के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है, यानी एलिमेंट्री लेवल का जो स्टूडेंट है उसकी मैथ्स की क्लासरूम का फोकस ये फाइव प्रोसेस स्टैंडर्ड्स होते हैं कि उनके अंदर बच्चों में ये स्किल्स डेवलप हो जाएं, ये फाइव स्किल्स। प्रोसेस स्टैंडर्ड्स के बाद जो नेक्स्ट हैं वो हैं कंटेंट स्टैंडर्ड्स, यानी मैथमेटिक्स के अंदर दूसरा जो स्टैंडर्ड टाइप ऑफ स्टैंडर्ड है वो कंटेंट स्टैंडर्ड्स है। अब ये फाइव कंटेंट स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हैं, और ये कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज़ नंबर एंड ऑपरेशंस, सेकेंड इज़ अलजबरा, थर्ड ज्योमेट्री, फोर्थ मेयरमेंट, एंड फिफ्थ वन इज़ डेटा एनालिसिस एंड प्रोबेबिलिटी। सो ये फाइव जो हैं ये ऐसे बेसिक टॉपिक्स हैं मैथ्स के जो कि इंटरनेशनली मैथमेटिक्स जो एलिमेंट्री लेवल का मैथमेटिक्स का करिकुलम है उसमें ये फाइव मेजर कंटेंट स्टैंडर्ड्स हैं जिनको इंक्लूड किया जाता है। सो दिस लेसन वॉज अबाउट स्कोप एंड सीक्वेंस ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम के ऊपर हमने बात की कि किस तरह से डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं वो उनका स्कोप और सीक्वेंस क्या होता है मैथमेटिक्स करिकुलम के अंदर, और लास्ट टू स्लाइड्स में हमने देखा कि मैथ्स के करिकुलम में इंटरनेशनली जो है वो क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, कंटेंट स्टैंडर्ड्स कौन कौन से इंक्लूडेड हैं, फाइव हैं, नंबर एंड ऑपरेशंस, अलजबरा, ज्योमेट्री, मेयरमेंट, डेटा एनालिसिस एंड प्रोबेबिलिटी, और इसी तरह से जो प्रोसेस स्टैंडर्ड्स हैं वो भी फाइव हमने देखे, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रीजनिंग एंड प्रूफ, कम्युनिकेशन, कनेक्शंस और रिप्रेजेंटेशंस। तो ये दो तरह से हमने डिवाइड किया
स्टैंडर्ड्स को कंटेंट स्टैंडर्ड्स और प्रोसेस स्टैंडर्ड्स में, और हमने डिटेल से देखा कि कौन कौन से 5 कंटेंट स्टैंडर्ड्स हैं और कौन से 5 प्रोसेस स्टैंडर्ड्स हैं। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से भी पढ़ेंगे। थैंक यू।